आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार, शेयर बाजार और आज का राशिफल। लेकिन राशिफल जानने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी लॉकडाउन का डर सता रहा है, जिस हिसाब से ओमिक्रॉन लगातार भारत में फैलता नजर आ रहा है और आपको ये डर है कि कहीं आपकी दुकान फिर से बंद ना हो जाए और आपकी जो कमाई है वो रुक जाए, तो आपको और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ गई है मार्केट में माई बिग ब्लिस ऐप, MYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। इस ऐप के जरिए आप अपनी ग्राहकी बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। किसी तरह की कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करनी, एक रुपया खर्च नहीं करना कहीं भी, सिर्फ छोटा सा करना ये काम है, फ़ोन उठाना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उस पर अपना स्टोर बनाना है। जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं उनको चढ़ा देना है, उनके प्रोडक्ट्स लाइव कर देने हैं, फिर आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, कोई भी इस काम को कर सकता है। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं बाजारों के सितारे में आज के राशिफल की। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मांगे राम सिवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश राठी जी। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित हो रहा है। आज की जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार क्या संभावनाएं बनेगी, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करेंगे। और एग्रो जींस, शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज पर बात करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां होती हैं, 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। मेष, सिंह और धनु राशि के जो आज जातक हैं उनके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके लिए दिन निश्चित रहने की संभावना है। 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये वाहपत की राशियां हैं, आपके लिए दिन आज संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। बड़े निवेश से बचने की सलाह है, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लेंगे। 4, 8, 12 आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। दोस्तों याद रखिएगा, शेयर बाजार हो या फिर कृषि जींस की ट्रेडिंग या फिर करेंसी बाजार या फिर गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग, महत्वपूर्ण यह है कि सितारे आपकी मदद कर रहे हैं। यदि सितारे आपकी मदद कर रहे हैं तो आपके लाभ कमाने के चांसेस, संभावनाएं अधिक प्रबल हो जाती है। और यदि आपके सितारे आपके को मदद नहीं कर रहे हैं, आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो निश्चित माने आपके लिए परेशानियां अक्सर बढ़ जाती है। सही निर्णय लेते लेते आप गलत निर्णय ले लेते हैं। सही मोड़ पे गाड़ी घुमाने के बजाय आप गलत मोड़ पे गाड़ी घुमा ले, आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, आप राशिफल को भी आप ध्यान में रखें। जी अखिलेश जी, जी तो ये तो हमने कर्नल अजय जी से जाना कि आज का राशिफल कैसा रह सकता है, कौन सी राशि मुनाफा कमाने की स्थिति में रह सकती हैं। अब बात करेंगे कर्नल अजय जी से कमोडिटी बाजार की, जानेंगे उनसे कि कमोडिटी बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। कर्नल अजय जी, कमोडिटी बाजार पर चर्चा करना चाहूँगा आपसे, और कमोडिटी बाजार में भी सबसे पहले कृषि जींसों में। लेकिन कृषि जींसों में आगे बढ़ने से पहले कर्नल अजय जी, मार्केट से खबर उड़ते उड़ते आई है कि जैसे कि हम देखते हैं कि MSP में काफ़ी घटबढ़ होती है तो किसानों की आय घटबढ़ होती है, MSP में बढ़ोतरी है तो किसानों की आय बढ़ती है, लेकिन
उसका अगर एमएसपी घटती है तो क्या एमआरपी भी घटती है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और आपने अपने पिछले कई इंटरव्यूज में भी एमआरपी यानी एमआरपी का भी आपने काफ़ी जिक्र किया है कि सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। और अब ऐसी खबरें हैं कि सरकार इस पर एक सिस्टम तैयार करिए, एमआरपी को भी काफ़ी ध्यान से देख रही है, क्योंकि अगर एमएसपी में थोड़ी गिरावट आती है या फिर मंडियों में किसी चीज़ की कीमतें कम हो रही होती है तो हम अक्सर देखते हैं कि एमआरपी में उतनी ही बढ़ोतरी हो रही होती है, एमआरपी कम नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आम उपभोक्ताओं को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा होता है। लेकिन अब सरकार इसको काफ़ी करीब से देख रही है, इस पर काफी नजर भी रख रही है एमआरपी के ऊपर भी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अखिलेश जी, आपने मार्केट टाइम्स टीवी और हमने विभिन्न बिजनेस टीवी चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये आवाज उठाई थी कि उपभोक्ता को पूरा फायदा नहीं, किसान को नुकसान जी। तो फिर क्या फायदा है इतनी बड़ी कवायद करने की, कभी इम्पोर्ट ड्यूटी हमें घटाना है, कभी स्टॉक लिमिट लगाना है। मेन मकसद जो है, इस मूल उद्देश्य जो है वो है आम उपभोक्ताओं को महंगाई से निजात दिलाना। तो अक्सर ये होता था कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके ऊपर यदि वो नीचे है तो किसान वहां पे माल बेचता ही नहीं था। क्या सरसों है, कॉटन है, ये देखिए जितने भी ऑयल सीड्स की हैं, किसानों ने एमएसपी के ऊपर माल सरकार को बेचा ही नहीं, और जो माल जो बिकता था वो मंडी के अंदर भाव जो होते हैं उसी हिसाब से वो बिकता था। अब स्टॉक लिमिट लगाने की वजह से या कभी 90 दिन की या कभी 60 दिन की या कभी अलग अलग तरीके से, तो उससे जरूर फर्क पड़ता था, लेकिन उसका असली फायदा उपभोक्ता को बिल्कुल कम मिलता था, यानी एंड यूजर जो है, आप और हम जो हैं, जो आम इंसान जो हैं, क्योंकि वजह होती थी कि जो भी रेडी मटेरियल होता था, रेडी गुड्स होता था या रेडी खाद्य तेल होते थे, तो पर जो एमआरपी लगी भी होती थी 2 महीने पहले की, 1.5 महीने पहले की, 3 महीने पहले की लगी भी होती थी, और जो रिटेलर है वो उस एमआरपी के ऊपर ही माल बेचता था, जबकि 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत तेजी से फ्लक्चुएशंस होते हैं, यानी सोयाबीन देख लें, चाहे सरसों देख लें, या सनफ्लावर देख लें, या मूंगफली देख लें, इनके बहुत तेजी से फ्लक्चुएशंस होते थे। तो होता ये था कि रिटेलर ये कहता था, देखो साहब ये मेरा तो एमआरपी इस पर ये लिखा हुआ है, मैं तो इसे नीचे नहीं दूंगा, जबकि 1.5 महीने के अंदर प्राइसेस के अंदर जबरदस्त इजाफा या गिरावट हो जाती थी, और ऐसी स्थिति के अंदर आम उपभोक्ता को फायदा ही नहीं मिलता था। 1.5 महीने के बाद में जब भी होता था फिर वो भाव ऊपर नीचे हो जाते थे, तो कुल मिला के उपभोक्ता को फायदा ही नहीं होता था। तो हमने मार्केट टाइम्स टीवी के जरिए, विभिन्न बिजनेस टीवी चैनल्स के जरिए और दूसरे के अंदर ये आवाज जरूर उठाई कि भाई कि एमएच आप स्टॉक लिमिट लगा रहे हैं, आप इंपोर्ट ड्यूटी में कमी ला रहे हैं, फ्री पोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एमआरपी के ऊपर सरकार का नियंत्रण या उनकी नजर होनी चाहिए कि जैसे ही कुछ हो तो उसके बाद में एमआरपी की में कटौती होनी चाहिए, और कटौती नहीं हो रही है तो आम उपभोक्ता को महंगाई से निजात नहीं मिलेगी, तो सारी कवायद, सारी परेड, सारी कार्रवाई बिल्कुल व्यर्थ हो जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमने रखने का प्रयास किया था, और मैं दर्शकों को की ताकत कहिए, मार्केट टाइम्स टीवी की मेहनत कहिए या हमारी सोच कहिए, कि सरकार इसके ऊपर सुनने में आया है कि सरकार इसके ऊपर कोई व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है, इससे आम जनता को फायदा मिलेगा, महंगाई के अंदर फर्क आएगा और खाद्य तेलों की सही दामों के ऊपर उपभोक्ताओं को उपलब्धता होगी। और ये मैं तो यह कहूंगा कि जब सारे कृषि जिन्सों के भाव इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, क्या तेजी और क्या मंदी है, उसी तरह से एमआरपी जो है वो भी खाद्य तेलों की अखबार में या दूसरे चैनल के जरिए आम डेली होनी चाहिए, और उसके आधार पर ही खाद्य तेलों की बिक्री आम इंसानों मतलब आम उपभोक्ताओं को होनी चाहिए। इससे महंगाई को पर महंगाई की तेजी या महंगाई पर रोक लगाने में कारगर कदम हो सकते हैं। जी अखिलेश जी, जी तो काफी महत्वपूर्ण कदम बताया है कर्नल जी ने कि
जिस तरह से MSP के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उसी तरह से MRP के भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स या फिर कोई दूसरा माध्यम होना चाहिए जिससे कि आम उपभोक्ताओं को MRP कहाँ क्या चल रही है उसका पता चले और वो एक एनालिसिस कर पाए और दूसरा जो सरकार है वो भी देख पाए जिससे कि MRP को ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मंडियों में तो सस्ते दाम पर खरीद लिया जाता है लेकिन आम उपभोक्ताओं को वही चीज़ महंगा करके ज़्यादा बेची जाती है, जैसे कि खाद्य तेलों पर मंडियों में तेल तिलहन फसलों के जो दाम है अब वो थोड़े जैसे कम देखने को मिल रहे हैं तो उनसे तो कम भाव में खरीद लिया जाता है लेकिन आम उपभोक्ताओं को ये कह के बेच दिया जाता है कि पीछे से माल नहीं आ रहा है या कम आ रहा है या फिर पीछे से ही महंगा हो रहा है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी कारगर कदम साबित हो सकता है ये, जैसे कनलेजी जी ने बताया। यहीं से कनलेजी जी अगर रुख करें अगर अब कृषि जिंसों की तरफ तो हमने देखा है कि बिनौला खल अब धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। आपने कपास खली में पहले भी तेजी बताई थी और हमने तेजी बनते हुए भी देखी, अब यहाँ से आपको क्या लगता है बिनौला खल आगे कहाँ तक जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये एक मोटे तौर पे ये खली का बाजारों में क्या भाव रह रहा है उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। सरसों खली राजस्थान में लगभग 2825 से 2950 के भाव के आसपास बताई जा रही है। सनफ्लावर खली अदोनी 3300 रुपए के आसपास बताई जा रही है प्रति क्विंटल और सनफ्लावर सीड की जो है वो 4400 से 4500 रुपए है अदोनी के अंदर। मूंगफली की खली जो है अदोनी में 3300 रुपए प्रति क्विंटल है और राइस बॉन्ड DOC जो है वो लगभग 8000 रुपए के आसपास है, ये 8000 टन के है। और मस्टर्ड डॉग जो की जो DOC है वो लगभग 24000 के आसपास है और सोया डॉग 5200 से 5700 के आसपास है। ये तो एक मोटे तौर पर बात हो गई। अब बिनौला खली यानी कपास खली के अंदर तेजी की क्या वजह है उसको मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कुछ बताने के प्रयास करूंगा, क्योंकि कपास खली सीधी तौर पे कॉटन यानी कपास की अराइवल या कपास के भावों से भी निर्भर करती है। यदि हम कॉटन की अराइवल देख लें, यदि सन 2020 से और 21 का और 21 और 22 का यानी पिछले साल यदि हम अक्टूबर से 15 दिसंबर तक देख लें तो यदि हम लोग टोटल नॉर्थ जोन की तरफ जाएं तो 25,81,300 की जो अराइवल थी पिछले साल और इस साल सिर्फ 15,84,100 ये अराइवल है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट नॉर्थ जोन के अंदर हुई है। नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, अपर एंड लोअर राजस्थान ये तीन राज्य आते हैं। अब हम सेंट्रल जोन की तरफ चलें, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो वहां पे 52,14,500 थी जो पिछले साल, इस साल घटकर 42,28,700 रह गई। इसके अंदर भी बड़ी गिरावट है। अब आप साउथ जोन की तरफ चलें, दक्षिण भारत के अंदर, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु ये चार राज्यों का जो साउथ जोन है इसके अंदर 20,28,700 की थी पिछले साल, जो इस साल घटकर 13,90,500 रह गई। अभी आप चले उड़ीसा और जो दूसरे जो इलाके हैं उड़ीसा, उसमें उस पिछले साल 45,000 थी, इस बार बढ़ के 66,400। सिर्फ उड़ीसा के अंदर बढ़त दर्ज हुई है, बाकी कहीं बढ़त दर्ज नहीं है, बड़ी गिरावट है। टोटल अराइवल अभी हम देखें तो 98,59,500 थी, जो इस साल घटकर 72,69,700 रह गई। तो 25,99,800 की जो अराइवल है वो पिछले साल के बनस्पत इस साल कम है, जो कि अक्टूबर से 15 दिसंबर तक के बीच का जो सीजन था कॉटन का, ये बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर जो है वो बाजारों की ये सामने आ रही है। अब मकसद ये है कि जब कॉटन ही नहीं आएगी तो कॉटन सीड कहां से आएगा, नंबर वन। नंबर टू, जब कॉटन सीड ऑयल की में प्राइसिंग में इंक्रीज है क्योंकि माल किसान ला ही नहीं रहे हैं और
कॉटन के ऊपर भी हमने लगातार तेजी की बात कही थी, उस वक्त कही थी जब आपको याद हो सितंबर मंथ के अंदर जब कॉटन की अराइवल थी, फसल थी, उस वक्त लगभग सभी मार्केट एक्सपर्ट कॉटन के अंदर मंदी की बात कर रहे थे, कपास के अंदर मंदी की बात कर रहे थे। सिर्फ कर्नल अजय और मार्केट टाइम्स टीवी अकेला खड़ा था जो कह रहा था तेजी की उम्मीद बन सकती है। बेचना मत, खरीदा ना खरीदना आपकी मर्जी है, लेकिन बेच के मत चलना। और वही हाल हुआ कि कपास की बुरी तरह से तेजी दर्ज हुई और पूरे मिलर जीनर्स ये सारे परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने उस वक्त घटे दामों पर कपास नहीं खरीदी, कॉटन नहीं खरीदी, और उसका आज भी ये लोग पछतावा कर रहे हैं जी। अब आपके सामने ये जो ग्राउंड स्थिति हमने चर्चा करी, वो चर्चा से आप समझ सकते हैं कि जब तक अराइवल ही नहीं होगा तो आपका सीड ऑयल कहां से निकलेगा, और सीड ऑयल नहीं निकलेगा तो बिनोला खल की स्थिति मजबूत ही रहेगी। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाकी जो खली है बाकी सीड्स की, उसके मुकाबले बिनोला खल सबसे सस्ती होती है, इसी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट भी अधिक होती है और ये पशु आहार के रूप में बहुत प्रसिद्ध भी है। लेकिन रॉ मेटेरियल के बगैर आपको रेडी गुड्स नहीं मिल सकता, यही मेरा आपसे कहना है। तो कपास या खली के अंदर बहुत बड़ी मंदी की जो धारणा धार रहे हैं उनको बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर टेक्निकल लेबल्स के ऊपर दो लेबल ऊपर और दो लेबल नीचे ये निकालना बहुत आसान है कि ये लेबल टूटेगा तो ये लेबल आ जाएगा, ये लेबल टूटेगा तो ये लेबल आ जाएगा। ये एक बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और इसके अंदर कोई महाभारत नहीं है, आप भी इसको सीख सकते हैं और 5 से 7 मिनट के अंदर आप इसको जानकारी रखते, कोई स्पेशल प्रोग्राम चलेगा तो हम इसको टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से होता है उसको भी दर्शकों को बताएंगे कि आप खुद लेबल निकाल सकते हैं, इसके अंदर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप अराइवल का डिमांड एंड सप्लाई का सही तरीके से गणना नहीं कर पाएंगे, जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लगातार आपको एडवांस बोलते हैं, तो ये स्थिति ये घर है कपास खली के अंदर जो लंबी मंदी की धारणा सोच रहे हैं उनसे उनको मैं यही कहूंगा कि हमारा मत ये है कि कपास खली के अंदर बड़ी मंदी की संभावना नहीं है जी। अखिलेश जी, तो काफी अच्छा एनालिसिस दिया है कनेल जी ने, और उनके अनुसार कपास खली यानी बिनोला खल में ज़्यादा मंदी की संभावना नहीं है। और ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स को भी देखा जाए तो वो भी यही कहते हैं कि साल 2022 में भी कपास खली की कीमतों में अच्छी ही तेजी देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कपास खली यानी बिनोला खल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। यहीं से कनेल जी बात करें अगर ग्वार की, तो हमने ग्वार में उठापटक माहौल पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा देखा है, वहीं इस कारोबारी सप्ताह की बात करें तो बीते कारोबारी सप्ताह भी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी, फंडामेंटल्स मजबूती की ही हो रहे हैं, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि ग्वार सीड की जो वायदा बाजार है उसमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। आपसे मेरा सवाल रहेगा, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है जब फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो एक तरफा तेजी क्यों नहीं बनके चल रही है, ग्वार में क्यों उठापटक देखने को मिल रही है, और अब आज का बाजार ग्वार का कैसा रहेगा और आगे कैसा रह सकता है? देखिए, ग्वार सीड का जैसे हमने बताया था आपको कि इस साल ग्वार सीड की बिजाई ही काफी कम हुई है और इसमें लगभग 60% से कम बिजाई पिछले सालों के बनिस्पत हुई है, और उसका प्रमुख कारण भी ये रहा कि पिछले 8-10 सालों का यदि हम विश्लेषण देखें तो ग्वार की कीमतों में साल दर साल गिरावट ही दर्ज हुई और इससे किसान और जो व्यापारी हैं वो बड़े परेशान हुए। गौरतलब है कि पूरे विश्व के अंदर ग्वार की जो उपज है वो सिर्फ भारत और कुछ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में होती है, बाकी कहीं और होती नहीं है, और लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ की एक इंडस्ट्री है ये, और इसके ऊपर पूरा वर्चस्व भारतीयों का है, और भारतीयों में भी विशेषकर पश्चिमी राजस्थान और कुछ हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाके इसी में इसका ट्रेड होता है, और इसी में ही पूरी इंडस्ट्री सिमट के रही है। अब चूंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है, कारोबार बहुत छोटा है, तो इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स इसको तेजी मंदी के अंदर रस्ता कसी यानी टंग ऑफ वॉर करते रहते हैं।
और उसके अंदर फंडामेंटल के हिसाब से जो चल रहा होता है, जो धैर्य से काम करता है वो हमेशा मुनाफा कमाता है, और जो ओवर लेवरेज में काम कर रहा है, ओवर ट्रेडिंग में काम कर रहा है, यानी लाख रुपए लगा के 50 लाख का काम कर रहा है, और वो तो ऐसे करने के अंदर जो तेजड़ी है या मंदड़ी है इनके आपस की लड़ाई के अंदर वो नुकसान हो जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो भी कारोबारी या किसान गवार सीट के अंदर मेरा ये शो सुन रहे हैं, उनके लिए एक मेरी सलाह ये है, यही है कि आप धैर्य रखें। तेजड़ी और मंदड़ों की लड़ाई के अंदर ये मरते और जीते रहेंगे, कभी कोई जीतेगा और कभी कोई हारेगा, ये इनका गेम है। लेकिन गवार सीट के जो फंडामेंटल हैं मजबूत हैं। इस साल मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे पिछले साल भी जब मतलब 2021 जो वर्तमान साल के अंदर भी जब गवार सीट 4000 के आसपास 3900 के आसपास था, तभी हमने कहा था कि देखिए यदि 6 महीने पहले हमारे वीडियो आप सुने या हमारे शो आप सुने, इस साल गवार के अंदर अच्छा पैदावार अच्छी पैदा होगी, और वही हुआ कि अच्छा मुनाफा मिला और फसल इसकी मौसम से भी खराब हुई और बिजाई कम होने की वजह से काफी अच्छा मुनाफा किसानों और कारोबारियों ने कमाया भी, और गवार के जो स्पॉट प्राइसेस थे वो अलग अलग मंडियों के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग बताए भी गए और ट्रेड भी हुआ, कहीं कम हुआ कहीं ज्यादा हुआ, कहीं 7000 का, 8000 का, 9000 का, और कुछ मंडियों के अंदर तो कुछ छोटी सीमित के अंदर 10000 से ऊपर का भाव भी ट्रेड हुआ। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी कमोडिटी एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी नहीं चलती है। एक लेवल के बाद आदि आपका 4000 का गवार 6000 हो गया है, 6500 हो गया है, 6800 हो गया है, उसमें लगभग 50-60% की वृद्धि हो गई है, तो उस वृद्धि के बाद ना कहीं विराम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी 2 गुना 3 गुना 5 गुना, ऐसा नहीं होता है। आज व्यापार के अंदर यदि आपको 50% का लाभ मिल गया 4000 का गवार लेके आपने 6500-6800 में तक आपने है, तो आपको कुछ मुनाफा वसूल करना चाहिए। उस 6800 के बाद में जब वो नीचे आता है तो आएगा ही, उसमें कहीं वो एक प्रॉफिट बुकिंग का एक लेवल है, उस लेवल के अंदर वो मुनाफा वसूल होगा, वो फिर निचले स्तर के ऊपर जाएगा, फिर आप उसको खरीदिए या फिर चलते रहिए, ये बाजार की प्रतिक्रिया है। जहां तक गवार का सवाल है, इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत है, एक्सपोर्टर्स के पास पूरे ऑर्डर हैं, अच्छी क्वालिटी का गवार बाजारों के अंदर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, और जो जहां तक ये स्पेकुलेटिव या कार्रवाइयों का सवाल है, ये बाजारों की फितरत है। आप देखिए यदि शेयर बाजार के अंदर भी यदि आप देखें कि जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं या अंबानी ग्रुप की कंपनी है, या फिर आप ये विप्रो की रेशम प्रेम जी की कंपनी है, रमेश धनी है, शिव नडार हैं, इनके अंदर जबरदस्त किसी को हुआ कि जो 200-300-400% की इनके अंदर मूवमेंट रही, तो ये बाजार है, इस बाजार को आपको तेजी और मंदी दोनों में ही रहने की आपको आदत होनी चाहिए। एक दूसरा मैं अपनी तरफ से एक गाइडलाइन आपको से सजेस्ट करता हूँ, ना आपकी अपनी मर्जी है कि यदि आपके पास अच्छा मुनाफा आ रहा है तो 50% अपना माल बुक करना चाहिए, फिर तेजी बनती है 20-25% साथ में मुनाफा बुक करना चाहिए, सुपर प्रॉफिट के लिए सिर्फ 15-20% आपके पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास 10 टन माल है या 20 टन माल है या 50 टन माल है, 50 टन आप तो हाइएस्ट दामों पर बेचेंगे, ऐसे कैसे होगा, ये नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। ये कारोबार का एक नियम है, तेज आएगा तेज बिकेगा, मंदा आएगा मंदा बिकेगा, और अपने टाइम पे जो मुनाफा वसूल नहीं करता है वो परेशानियों में ही रहता है। यदि वो तेजी आएगी तो भी परेशान रहेगा और मंदी आएगी तो भी परेशान रहेगा, अतः अपना टाइमली मुनाफा बुक कर लेना चाहिए और अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करना चाहिए। परेशानी उन लोगों को है कि जिनके पास 5 लाख है और उन्होंने काम कर रखा है 5 करोड़ का, उन्होंने लॉट रेट ले रखे हैं किसी ने अपनी क्षमताओं से अधिक, वो हमेशा परेशान रहेंगे, चाहे तेजी होगी या मंदी या निश्चित मानिए, यही मेरा कहना है। और मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूं कि आप व्यापारी बने, कारोबारी बने, ट्रेडर बने, इन्वेस्टर बने, स्पेकुलेटर बनने का प्रयास नहीं करें। स्पेकुलेटर कमाता है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो हर बार नहीं कमाता है,
जैसे क्रिकेट के अंदर हर बॉल पे आप छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो एक दो बार तो छक्के मार लेंगे के बाद आप आउट जल्दी हो जाएंगे। आप बॉल के हिसाब से आप अपना काम देखिए, अच्छी बॉल को सम्मान दीजिए, खराब बॉल पे को पीटें। यही बाजारों का एक दस्तूर है और यही पहले भी ऐसे ही चलता था, आज भी ऐसे ही चलेगा और कल भी ऐसे ही चलेगा। ये अखिलेश जी जी यहीं से कर्नल जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने देखा है कि बीते दो से ढाई हफ्ते से देख रहे हैं कि एक नरमी सी छाई हुई है। आपके अकॉर्डिंग आज मसालों का बाजार कैसे रह सकता है और किन मसालों में तेजी बंदी नजर आ सकती है? देखिए मसाला पैक पे हमने आपको लाल मिर्च के ऊपर एक बहुत जबरदस्त अद्भुत अपडेट दिया था और लाल मिर्च ने जबरदस्त तेजी दर्ज हो रही है। आज मैं यदि जो भी कारोबारी हैं हल्दी के ऊपर मैं कहूंगा आपको नजर रखें, हल्दी के अंदर भी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि डिमांड और उपलब्ध आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक हल्दी के फंडामेंटल मुझे मजबूत नजर आ रहे हैं। तो हल्दी के ऊपर आप नजर रखिए और लाल मिर्च है इसके अंदर भी तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो कमोडिटी है वो है प्याज। प्याज के अंदर मुझे लगता है कि आज कमजोरी की संभावना बन सकती है और याद रखिएगा प्याज के ऊपर हमने अपडेट भी दिए थे पहले भी कि जब ये बिल्कुल मंदी में था, 4-5 रुपए किलो के हिसाब से ट्रेड कर रहा था, 400-500 रुपए क्विंटल के, और वो करीबन 3500 से 3800 तक कई गुना उसमें इजाफा हुआ। मुझे लगता है कि प्याज के अंदर अब धीरे धीरे मंदी की संभावना और गहरा सकती है और उसके अंदर यदि कोई बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए अभी कोई कारोबारी सोच रहा है या किसान सोच रहे हैं या मंडी व्यापारी सोच रहे हैं तो उनको एक बार अपने इस निर्णय पर पुनः विचार जरूर करना चाहिए। जी जी, तो यानी कि हल्दी के फंडामेंटल्स कर्नल अजय जी को मजबूत नजर आ रहे हैं, उनके मुताबिक हल्दी की कीमतों में तेजी बनती नजर आ सकती है, वहीं प्याज में उन्होंने कमजोरी की संभावना व्यक्त की है। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अगर नॉन एग्री में, तो नॉन एग्री में हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में काफी ज्यादा उठा पटक का माहौल बनता नजर आ गया है। कभी किसी दिन सोने चांदी की कीमतों में नरमी तो किसी दिन अच्छी तेजी बनती नजर आती है। हम देखते हैं कि डॉलर और ओमिक्रॉन के जो केसेज हैं उनका भी असर सोने चांदी की कीमतों पर काफी ज्यादा पड़ता नजर आता है। ऐसे में आपका क्या कहना है, सोने चांदी में अब कैसा कारोबार होता है देख पाएंगे? देखिए ओमिक्रॉन की जो गतिविधियां है वो विभिन्न देशों में बढ़ने की सूचना मिल रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे इवन भारतवर्ष के अंदर भी। कल प्रधानमंत्री जी ने एक दो दिन पहले राष्ट्रीय संबोधन में ओमिक्रॉन के डेल्टा वेरिएंट के ऊपर अपनी चिंता जाहिर की थी और वैक्सीनेशन का की अपील भी की थी। देखिए जब कोई राष्ट्र प्रमुख महत्वपूर्ण टाइम पर कोई उद्बोधन लेके आते हैं तो निश्चित रूप से इसको सीरियसली लेना चाहिए जी। और ये नहीं मैं ये भी कहूंगा क्योंकि यद्यपि पिछले कोविड-19 के जो केसेस थे हमारी तैयारी थी सभी की सरकारी तौर पे या निजी तौर पर या समय वो उसके अंदर हम लोग काफी हद तक हम लोग कामयाब थे। लेकिन इस बार जो है हमें अब पिछली गलतियों से सबक सीखना चाहिए। ओमिक्रॉन की जो डेल्टा वेरिएंट है इसके बारे में अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप से एक अमेरिकन डॉक्टर से जो बात हुई उसकी मैं सारांश आप तक पहुंचा सकता हूं। उसका ये कहना था कि इस बार जो ओमिक्रॉन के जो डेल्टा वेरिएंट है ये लंग्स के ऊपर और किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है, लंग्स और किडनी के ऊपर इफेक्ट होना ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसको बिल्कुल भी लापरवाही या लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो भी डॉक्टर द्वारा गाइडलाइन है, सरकारी गाइडलाइन है, उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए और यदि जहां तक संभव हो यदि जाना भी पड़े तो ऐसे समय में उस इलाके में जाना चाहिए जहां पे भीड़ बिल्कुल कम हो या बिल्कुल नहीं हो, और जो मास्क का उपयोग है और सैनिटाइजर का उपयोग है इसका लगातार करना चाहिए क्योंकि अब यदि ओमिक्रॉन की वेरिएंट का दुष्प्रभाव भारत पे आया तो निश्चित रूप से माने कि इससे निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
क्योंकि पिछले वेरिएंट की जो मुश्किलात थी आर्थिक रूप से उसकी अभी तक भरपाई नहीं हुई है। जो इंडस्ट्रियां बंद हो गई, जिनके रोजगार चले गए या जिनकी रोजगार के अंदर आधी सैलरी हो गई, तो उन लोगों को अभी तक बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहूंगा कि कृपया इस चीज को समझें और विशेष ख्याल रखें। साथ साथ मैं सरकार से भी और विभिन्न संगठनों से भी अपील करना चाहूंगा कि रैलियों से बचें, सभाओं से बचें, ज्यादा तक संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग्स लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आयोजन प्रयोजन धार्मिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, इनके ऊपर भी आयोजन करने वालों से भी अपील यही है कि कृपया आप ध्यान दें। आप अपनी शौहरत, अपनी ताकत, अपना वैभव दिखाने के लिए इस तरह की गतिविधियों पर यदि सरकार लगाम लगाए या हम स्वयं अपने विवेक से डिसीजन लें, तो मैं समझता हूं इससे हम इसको काबू कर पाएंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होने से बचेगा और हमारी खुद की स्वास्थ्य और में भी फर्क पड़ेगा। जी अखिलेश जी, जी यहीं से कर्नल अजय जी आपसे जानना चाहूंगा कि शेयर बाजार का आज रुख कैसा देखने को मिल सकता है, आज शेयर बाजार में कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है? यहाँ तक देखिए, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट जो है, यानी शेयर बाजार का सवाल है, शेयर बाजार के अंदर उठाक पटाक जारी रह सकती है। पिछली बार भी हमने आपको कहा था कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो नॉर्मली छुट्टी पर चले जाते हैं और वो अमूमन हर साल ही रहता है। दिसंबर माह के अंदर सबसे अधिक गिरावट पिछले 5 सालों में इस बार दिखाई दी है। अभी भी शेयर बाजार का मार्केट स्टेबल नहीं है, ये फरवरी के द्वितीय सप्ताह तक संभवतः उठाक पटाक चलेगी और जो निवेशक थोड़ा सा रिस्क लेके निचले स्तर पर बाइंग करना चाहते हैं सिर्फ वही निवेशक आगे आए और इसको बॉटम फिशिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, उसमें अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, छोटी अवधि का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको मेरी सलाह रहेगी उनको बचना चाहिए। और यदि नो ट्रेडिंग करें, यदि कम ट्रेडिंग करें या नहीं करें तो उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नुकसान से बचना चाहिए। क्योंकि एक महत्वपूर्ण यह है कि जब तक आप गिरावट में खरीदेंगे नहीं, तेजी में बेचेंगे कैसे? लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है कि आज खरीद के कल बेचना चाहें या आज खरीद के 3 दिन बाद बेचना चाहें, तो ऐसी स्थिति अभी नहीं है। तो यही मेरी तो एडवाइस रहेगी, यही मेरा कहना रहेगा, अच्छी क्वालिटी के जो स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी के अंदर जो अच्छे वैल्यू बाइंग है, ग्रोथ बाइंग है, उसके अंदर आप देखें। कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक देखें, जैसे स्टील सेक्टर है उसके अंदर जाएं, बैंकिंग सेक्टर है उसमें जाएं, ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसमें जाएं, सीमेंट सेक्टर है उसमें आप जाएं। इन सेक्टर की जो चुनिंदा पहली 2 या 3 कंपनियां हैं उसके ऊपर आप जैसे वो गिरे उसको टुकड़ों में खरीदें। 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, 30-30 करके 2 या 3 बार में खरीदें। आप सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में जाएं, आईटी इंडस्ट्रीज के, क्योंकि भारत की जो निफ्टी इंडेक्स है उसके अंदर 3 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जो उसमें वेटेज के अंदर काउंट होते हैं। वो सबसे बड़ा तो है बैंकिंग, जो लगभग 27 से 28% है। उसके बाद आता है आपको ऑयल एंड गैस, जो लगभग 15 से 17% है। और उसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर यानी आईटी या सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेक्टर, जो लगभग 15 से 17% आता है। तो लगभग जो 65 से 70% पूरी निफ्टी के अंदर जो वेटेज हैं इन 3 सेक्टर के हैं। तो इन 3 सेक्टर के पहले जो 3 स्टॉक हैं, 4 स्टॉक हैं या एक आध मिड साइज के स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर आप ट्रैक करें। छोटी छोटी अवधि में खरीदें, छोटी छोटी क्वांटिटी में आप खरीदें और इसको रख लें 3 से 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो आप कामयाब रहेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप चाहें कि आप सुबह खरीद के शाम को बेच लें, ऐसे समय में बचना चाहिए। यही मेरा एक निवेशकों के लिए एक राय है। जी अखिलेश जी, जी बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ आज ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।